आजम इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बाबर आजम सवालों के घेरे में फंसे हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम बहुत खराब प्रदर्शन के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इसी बीच कप्तान बाबर आजम पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने हमला बोला है। सहवाग ने कहा कि अगर पाकिस्तान की कप्तानी बदलती है तो फिर बाबर आजम की टीम में जगह भी नहीं बनती। सहवाग ने आगे कहा कि बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो छक्के मारेंगे। वह तभी छक्के मारते हैं जब वह सेट होते हैं और स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हो। मैंने उन्हें तेज गेंदबाजों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते और कवर के ऊपर छक्का लगाते कभी नहीं देखा। यह उनका खेल नहीं है क्योंकि वह मैदान पर हिट करके सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए वह लगातार रन बनाते हैं और उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। उन्होंने इस दौरान आगे कहा कि लेकिन एक कप्तान के रूप में आपको सोचना होगा कि क्या यह गेम उनकी टीम के लिए फायदेमंद है। अगर नहीं तो खुद को नीचे करें और किसी ऐसे को भेजें जो 6 ओवर में बड़े शॉट खेल सके और टीम के 50-60 रन बना सके। मेरी बोली तीखी लग सकती है लेकिन अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की टीम T20 में जगह नहीं बनती है। उनका प्रदर्शन और स्ट्राइक रेट आजकल के T20 क्रिकेट की मांग के मुताबिक नहीं है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत में अमेरिका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर अपनी जगह बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान को सभी ने करारी शिकस्त देकर विश्व कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप से बाहर होने के कप्तान बाबर आजम को खिलाड़ी समेत वहां की आम जनता भी खरी खोटी सुनाए।